हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर जंक्शन। आज हमारे साथ अक्षित सर जुड़े हुए हैं। सो आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं अभी, चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर में हो, सेवन्थ सेमेस्टर में हो, उनका हमें क्वेरी आ रहा था सर कि ये जो बैच है वो उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। दैट मीन्स ये कि ये इस बैच में हम आने के उनके वो अगर इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो क्या जो सेमेस्टर एग्जाम्स जो उनके होने वाले हैं सर, अब बिकॉज अब सर पेपर तो ऑफलाइन हो रहा है सर, पहले का बात ही कुछ और था कि जो ऑनलाइन बैच ऑनलाइन उनका एग्जाम हुआ तो उसमें वो नहीं पढ़े, कंसेप्ट नहीं लिए तो भी वो पास हो गए, लेकिन अब बिकॉज पेपर सर ऑफलाइन हो रहा है तो उनको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी उनका एग्जाम होगा उसमें कमांड लाने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है। तो उनका सर क्वेरी ये था कि अगर हम ये बैच ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें जो सेमेस्टर एग्जाम्स की जो क्लासेस हैं वो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा कि ये जो क्लास होगी जो का हमारा बैच अनाउंस हो रहा है 18 नवंबर से, उस वाले क्लास में अगर हम बैठेंगे तो हमें सी एस वीडियो की क्लास, सेमेस्टर एग्जाम्स की क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ेगी, हमारा जितना भी ऑफलाइन में जो भी सब्जेक्ट्स आएगा वो सारा ही इस जो बैच में जितने भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें कवर अप हो जाएगा। तो ये जो डाउट लगभग जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है सबका है, तो आज के इस वीडियो में हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। सो सिविल इंजीनियर जितने भी कॉलेज गोइंग हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, वो उनके लिए जो ये समस्या है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे हमारे अक्षित सर कि सिविल इंजीनियर्स में कौन सा सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट टफ है और कितने उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो कैसे वो सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर बैच में कवर हो जाएगा। तो और आप अगर ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहेंगे, ऑफलाइन अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो अगर आप सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो उस सब्जेक्ट्स को जब आप सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे और इसके लिए पढ़ेंगे तो उसमें कितना अंतर होता है, आपको एक्स्ट्रा इसमें क्या पढ़ना होता है, आप जब सेमेस्टर एग्जाम पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट बैच में आप क्या नहीं पढ़ते हैं, क्या स्किप कर जाते हैं, ये सब जो है आपको अक्षित सर समझाने वाले हैं। तो अक्षित सर थोड़ा ये जो स्टूडेंट्स का डाउट है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का डाउट है, थोड़ा इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए सर। थैंक यू निकेत सर। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें सबसे बड़ी बात है टाइमिंग की। तो टाइमिंग जो हमने शेड्यूल की है क्लासेस की, वो आपकी कॉलेज के या तो कॉलेज के पहले होगी या कॉलेज के बाद होगी, तो आपको ये कभी भी क्लास क्लैश हो जाएगी आपके कॉलेज के बाद, ये डाउट तो आप बिल्कुल भी मत रखिए। सेकेंड थिंग, अगर आप कॉलेज की बात करें, देखिए यहाँ पे भी आपको कंपटीशन हो चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम्स हो, फाइनली आपको सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपका सिलेबस डिफर नहीं करेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स थोड़े से डिफर हो जाते हैं, वहाँ पे 7 मार्क्स से 14 मार्क्स के बीच क्वेश्चन आते हैं, आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं, वो थ्योरी भी आपको यहाँ पे पूरी की पूरी ही कवर करवाई जाएगी। अब अगर आप थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया या सॉइल जियोटेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ऐसे जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको कॉलेज अगर आप जा रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो आपको नो डाउट वहाँ आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमें आपको थॉरो नोट्स, पूरे के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लिखवाए जाएंगे, आपको चाहिए तो वो PDF फॉर्म में भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, अगर टफ क्वेश्चंस भी आते हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ जनरली लॉन्ग आंसर, जैसे ट्रस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो ट्रस से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपके बहुत ईजिली आप उसको गो थ्रू कर जाएंगे। और थ्योरी का आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी की पूरी थ्योरी कवर कराई जाएगी। और अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है कहीं पर भी, आप कंपटीशन को लें चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लें, तो आपको अर्ली स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो अभी आप कॉलेज में हैं, आप बिल्कुल प्रिपरेशन चालू रखिए अपनी, और गवर्नमेंट एग्जाम्स के साथ ही साथ में प्रिपरेशन करते जाए, फिफ्थ सेमेस्टर में भी है, 6th 7th 8th, उसके बाद जैसे ही आप पास आउट होंगे, गवर्नमेंट जॉब जैसे ही आती है आप तुरंत उसको गो थ्रू कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अभी आपको नोटिफिकेशन का भी वेट नहीं करना है, किसी चीज़ का वेट नहीं करना है, आपको सिर्फ बैच ज्वाइन करना है। लोड नहीं रहेगा, जो कोई कॉलेज वाले गोइंग, कोई प्रेशर नहीं है सर, इनमें आराम से वो पढ़ सकते हैं सर। बिल्कुल, ये एक बड़ा मैं समझता हूँ सर, मेरे अकॉर्डिंग ये कि जब आपके में प्रेशर नहीं होता तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। हाँ, तो सर मैं एक जानना चाहता हूँ कि जितने भी जो सिविल इंजीनियर हैं जो अभी कॉलेज में है, उनके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है, जिसमें मैक्सिमम आपने देखा है, आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बैक लगता है, आप हम लोगों ने सेमेस्टर एग्जाम भी पढ़ाया सर, आपने भी पढ़ा है, तो जो बैक लगने वाला सब्जेक्ट, जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, वो कौन सा सब्जेक्ट है सर, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए।
देखिए, पूरे अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट आपका इस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, टॉस जो है आपका। उसमें जनरली ये होता है, जैसे मैंने भी एग्जाम सब दिया था, तो उसमें जो जिस पोर्शन से मैं न्यूमेरिकल तैयार करके गया वहाँ से थ्योरी आ गया, ILD से उसने थ्योरी दे दिया, तो कई बार ऐसा मिसमैच हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन एकदम कॉमन है, जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आना ही है, लेकिन वहाँ से भी अगर उसने बहुत ज़्यादा टफ किया क्वेश्चन को, ओवर हैंग बीम दे दिया, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, जो कि जनरली मतलब कुछ हद तक उसमें गेट या IES का कंसेप्ट लग जाता है, तो ऐसे एग्जाम्स में आपको नो डाउट दिक्कत आएगी ही आएगी। और अगर आप यहाँ हमारी क्लासेस में अगर आप कंटिन्यू सिर्फ आराम से चीज़ों कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे, और सेमेस्टर के एक दो दिन पहले भी अगर आप उसकी स्टडी कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सही बात है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने समझा, अभी जितने भी आप सिविल इंजीनियर्स आप देख रहे हैं, जो भी भावी सिविल इंजीनियर्स बनने वाले हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से निकलने वाले हैं, देश में सेवा देने वाले हैं, सभी आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपके लिए बैच कितना बेनिफिशियल है। आपको कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपके ऑफलाइन जो आप सेमेस्टर एग्जाम देंगे इसमें अगर बैच ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, आपको और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, और साथ ही साथ आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे बहुत आसानी से। सो अब इसके बाद हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश राव सर। आकाश राव सर, सर वेलकम सर, आइए। आकाश राव सर हमारे साथ आ गए हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, और उनको भी अगर सेम डाउट चल रहा है कि ये बैच कितना बेनिफिशियल होगा, हमको ऑफलाइन जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके लिए सेमेस्टर्स क्लासेस और एक्स्ट्रा लगेंगी या नहीं लगेंगी, तो उनके बारे में विस्तार से हमको आकाश राव सर समझाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो आकाश सर, थोड़ा इस बारे में आप प्रकाश डालिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जितने भी हैं, वो कॉलेज गोइंग है, तो उनके लिए हमारा बैच, पर्टिकुलर बैच, वो कितना बेनिफिशियल होगा, इसके बारे में बताइए सर। तो थैंक यू निकेत सर। तो जैसे कि आपने कहा, ये बैच है जो बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी कॉलेज गोइंग है, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे काफ़ी सालों से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं सर, तो सेमेस्टर एग्जाम्स में होता है, जैसे मैं बात करूँ अभी तो आपका सेमेस्टर्स में लास्ट, मतलब लास्ट ईयर में बात करूँ, तो जैसे प्रोटेक्शन है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया गया, तो ये तो पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी है। ऐसे मैं बात करूँ, कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया आपका, मेजरमेंट्स हो गया, EMF हो गया, नेटवर्क्स हो गए, तो ऐसे काफ़ी सारे जो सिलेबस है, जैसे मैं बात करते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो ये इंडिविजुअल किसी में आपका दो चार चैप्टर करके एक सब्जेक्ट बना दिया, बाकी ये ओवरऑल सब्जेक्ट है ये पूरा। तो इस तरीके से हम लोग जो कवर करते हैं यहाँ पे, तो EMF हो गया, नेटवर्क्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं जो सब डिवाइडेड होकर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स बने होते हैं। और जैसे हम देखते भी आ रहे हैं, काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है हमने, तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इनको कभी प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स तगड़े होते हैं, थ्योरेटिकल भी ऐसा रहता है जस्ट लाइक अ स्टोरी इनको याद होता है, उसके बाद जस्ट उनको पॉइंट्स में फ्रेम करना है। तो ये तो श्योर शॉट बात है सर कि जो ये बैचेस ज्वाइन करता है, ये बच्चे कभी भी, इनके लिए सेमेस्टर एग्जाम ऐसा बर्डन नहीं रहा है, क्योंकि इनको ऑलरेडी सब चीज़ आता है, जस्ट उसको थोड़ा सा, हम तो और अपर लेवल में भी पढ़ाते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट आपको स्टेप वाइज लिखना है। और ये जो मतलब ये बैच रहता है, इसका मेन एडवांटेज ये है, क्योंकि आपको कन्वेंशनल भी लिखेंगे आप जैसे SSC JEE का, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ सेमेस्टर एग्जाम, उसमें भी आपको स्टेप वाइज मार्किंग रहता है SSC JEE के कन्वेंशन में, तो ये सब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा सर। तो इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल में ये सारे जगह पे हमारे यहाँ पे जो भी बैचेस ज्वाइन करते हैं, तो ये आपके लिए, अगर आप सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो ये डेफिनेट सी बात है कि आपको बेनिफिशियल रहेगा CSET पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका बात करूँ तो मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप जब एकदम पास आउट होंगे तब आप एकदम मतलब मैं बात कर सकता हूँ मैच्योर प्लेयर की तरह आप निकलेंगे वहाँ से, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, जैसे कि अक्षित सर ने सिविल इंजीनियर्स के लिए बताया, कास्ट हाउस ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बताया, मैकेनिकल के लिए भी सेम ही चीज़ें हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर में सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मशीन डिज़ाइन है, थ्योरी ऑफ मशीन है, जिसमें कॉम और डॉम आता है, काइनेमेटिक ऑफ मशीन और डायनेमिक ऑफ मशीन, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, FM है, SOM है, तो जितने HMT है, हीट एंड मास ट्रांसफर, जो टफेस्ट सब्जेक्ट बोला जाता है, जिसमें कुछ है भी नहीं, जिसको टफ सब्जेक्ट बोला जाता है। लेकिन आप समझिए, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं लगेगा आपको, सारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डेरिवेशन, थ्योरी, किसी में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें जो सिविल से थी, इलेक्ट्रिकल से थी, वो सर ने बताई दिया आपको, तो आप ये समझिए कि
अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आपका, जैसे सर ने बताया, बर्डन आपका बिल्कुल सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बिल्कुल एंड हो जाएगा। आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको अब पेपर ऑफलाइन होने वाला है, बैक लगने का डर है, तो आपको सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना ही है। लेकिन आप ये समझिए कि आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो सेमेस्टर एग्जाम्स को तो आप ईजिली निकाल ही लेंगे, साथ ही साथ आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों ने जो ये आपके जो डाउट है अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे कि आप इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसके उसमें उसको फिल करके आप फ्री डेमो क्लास के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हमारा बैच 18th November को स्टार्ट हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखा होगा और चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।